ध्यान दीजिए सब लोग, अभी जो हमने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। अब आप फॉर्मूले पर नजर देंगे, अगर क्वेश्चन पर जगह ध्यान देंगे तो आप खुद पर खुद आंसर दिखना शुरू हो जाए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ग्रॉस वैल्यू रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या क्वेश्चन में प्रोवाइड है, नहीं। हाँ, लेकिन उसकी जगह उसके कंपोनेंट प्रोवाइड किए गए। कंपोनेंट क्या है, अब देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास जो दिया गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक, और दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। और उसी तरह से सर्विस सेक्टर के लिए भी वही इंफॉर्मेशन दी गई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सर्विस सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक। अब देखिए यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितनी कितनी वैल्यू आई, क्योंकि तीनों को प्लस करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का हमारे पास दिया हुआ है कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का 2000, आईसी कितना है 1000, ओके। अब सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1800 माइनस 800 और सर्विस सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1400 और आईसी 600, ओके। और फाइनली वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर 2000 माइनस 1000 यानी 1000 आया ग्रॉस वैल्यू एंटेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, 1800 माइनस 800 यहाँ भी 1000 आएगा सेकेंडरी सेक्टर और यहां पर आएगा 800 सर्विस सेक्टर, तीनों को जोड़ देंगे 1 1 2000 800, ये 2800 बनेगा क्या, ये बनेगा GDP at MP यानी GDP at MP का 28वां आया है। और क्योंकि हमने नेशनल इनकम निकालना है तो फिर इस हम क्या करेंगे, इस G को कन्वर्ट करेंगे N में यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया हुआ 18, ओके 18 रख लेंगे 0 2 7 2। अब फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP at MP NDP at MP में। अब इसमें NIT को माइनस कर देंगे, NIT क्वेश्चन में कितना है 20 भी हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 2700 आ जाएगा हमारे पास NDP at FC जो कि डोमेस्टिक इनकम को शो करता है। अब इसमें हम NFIA को जोड़ देंगे, NFIA और NFIA क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, ओके 40 जोड़ देंगे हम इसमें 0472 2740 आंसर होगा। कुछ नहीं कर रहे, बस आपको फॉर्मूला देखते जाना है, वैल्यू पुट अप करते जाना है, आपका आंसर आता जाएगा, क्लियर, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं दूसरे टाइप का कि वो कैसे होता है।